भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके एस श्रीशन का आजीवन प्रतिबंध घटाकर 7 साल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद श्रीशांत ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा राष्ट्रीय टीम में मौका मिलता है तो उनकी कोशिश टेस्ट में 100 विकेट का आंकड़ा छूने की होगी। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने उनके आजीवन प्रतिबंध को हटाने के आदेश दिए थे। इस फैसले से अकेले श्रीशांत ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी खुश है, मगर उन्होंने कहा कि श्रीशांत को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए पहले घरेलू क्रिकेट खेलनी जरूरी है। ये पूछे जाने पर कि मोहम्मद आमिर ने बैन हटने के तुरंत बाद कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर ली, सहवाग ने कहा, पाकिस्तान में कुछ भी होता है। दरअसल मोहम्मद आमिर पर 2010 के स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की वजह से बैन लगा था। आमिर का बैन 2016 में हटाने का फैसला किया गया था। इसके बाद बिना कोई क्रिकेट खेले आमिर को न्यूजीलैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम में चुन लिया गया था। श्रीशांत 2007 वर्ल्ड कप T20 और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। अभी उनकी उम्र 36 साल है और अगले साल वे 37 के हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।